अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। इट्स अ लाइव सेशन अबाउट हाउ टू स्टडी द फिजिक्स। सो बेसिकली फिजिक्स इज ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं और एज अ माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं। सो टुडे आई एम गोना टेल यू कि हम फिजिक्स को किस तरह से कवर अप करेंगे और किस तरह से फिज़िक्स को आपको कवर अप करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी का कितना पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल्स का कितना पोर्शन होता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिज़िक्स को हमें स्टडी कैसे करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है कि बायो एंड केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो एमडी कैट के अंदर एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स ज़्यादा होता है। लाइक बायो का मेजर पोर्शन होता है आपका, देन वी हैव अ केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स, उसके बाद इंग्लिश, देन लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारी बातें तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिज़िक्स आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड है। इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई वर्थ इट है, एक एक मार्क से बच्चा रह रहा होता है। सो फिज़िक्स काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि माइनर है, बट इट इज़ नॉट माइनर सब्जेक्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर MCQs होते हैं। इसके जो MCQs होते हैं वो बेसिकली बेस कर रहे होते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन में। यानी आपके पास जो थ्योरी पोर्शन होता है, हमारे पास उसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें नहीं होती, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यानी रिकॉल वगैरह चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो रिकॉल में आती हैं। उसके बाद वी हैव न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास लेवल्स होते हैं, कि आपके पास थ्योरी में भी आपके लेवल होते हैं। एक होता है रिकॉल होता है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, लाइक आपके पास पेपर में से भी आ सकती है कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले आप पता हो, लाइक रटेवल जो चीज़ें होती हैं ना उनको हम रिकॉल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है ब्रेन में कितना वाटर होता है, आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, कैपिटल जी कितना होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, रिकॉल वाली चीज़ें। तो ये थ्योरी में आते हैं, थ्योरी के अंदर मैक्सिमम पोर्शन रिकॉल का होता है और न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास लेवल होते हैं, एक होता है हार्ड, ईजी एंड मॉडरेट। अब आपके पास थ्योरी का जो पोर्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, लाइक 80% आपके पास थ्योरी आ रही होती है, तो 20% या 30% आपके पास होता है न्यूमेरिकल का पोर्शन। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इस 20% और 30% को निगलेक्ट करके थ्योरी के 80% पे ध्यान देते हैं। एक तरह से ये सही भी है, लेकिन एक तरह से ये रॉन्ग भी है, क्योंकि आपके पास जो थ्योरी पोर्शन है ना उसी के अंदर फार्मूलाज भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछेंगे कि हमें बताएं कि रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है सीरीज़ के अंदर, आप बताएं रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है पैरेलल में, पावर इन सीरीज़ क्या होगी, पावर इन पैरेलल क्या होगा। तो वो हालांकि न्यूमेरिकल का पोर्शन का क्वेश्चन है, बट वो आपको थ्योरी में दिखाई देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत आ गया, नो, इसका ये मतलब है कि जो थ्योरी का पोर्शन है उसके अंदर फार्मूलाज भी इंक्लूड हैं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को, दोनों को एक साथ ही लेके चलना है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में और हमें सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। दिस इज़ द रूल ऑफ एमडी कैट, वी डोंट हैव टू यूज़ अ कैलकुलेटर। तो अब ये कैसे होगा, कैलकुलेटर के बिना हम कैसे यूज़ करें। सो वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चंस, इजी एंड मॉडरेट एंड हार्ड। तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि आप लोग हमेशा कोशिश करें, जब आप हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो इजी और मॉडरेट आपके लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो आप हमेशा अपने पास भी हार्ड क्वेश्चन की तैयारी करें, थ्योरी के पोर्शन की तैयारी करें, तो आपके लिए जो ईजी और मॉडरेट के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी नहीं रहते। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास, आप किस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे, क्या चीज़ें आपको विदाउट कैलकुलेटर्स के किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सी मैथ्स आनी चाहिए। सो थिंग्स यू नीड टू नो इज टेबल्स। सबसे पहले आपको टाइम टेबल्स, यानी टेबल्स आपको आने चाहिए, 2, 3, 4, 5 सारे टेबल्स टिल 12 आने चाहिए, ताकि अगर पेपर के अंदर लिखा हुआ है ना 3 × 6.2 तो आपको पता हो 6 × 3 = क्या होगा, 6 × 2 = क्या होगा, और आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो आपको आराम, जैसे भी मैंने डायरेक्ट लिख लिया 18.4, मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपको भी ज़रूरत नहीं, 18.6, ठीक है, आपको भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। देन वी हैव अ रूट वैल्यूज़ आंसर्स। अब रूट वैल्यू क्या होती है, यानी जो स्क्वायर रूट में चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं रूट वैल्यूज़। अब रूट वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रूट वैल्यूज़ के आंसर्स आपको रटे हुए होने चाहिए, आपको पास इतना कैलकुलेटर का टाइम नहीं होगा कि आपको वो बताएं कि रूट इन 2 क्या होता है, रूट इन 5 क्या होता है, दे विल नॉट टेल यू, आपको खुद आना चाहिए। तो ये रूट वैल्यूज़ हम अभी पढ़ेंगे आगे, तो रूट वैल्यूज़ के आंसर्स आपको रटे हुए होने चाहिए। अब आपको वर्थ ऑफ नंबर, कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई भी नंबर लिखा हुआ है छोटा सा 0.01,
अब ये जो नंबर है ये निगलेक्टेबल है कि नहीं है, उसके मुकाबले में कोई 10 बड़ा नंबर है, अगर आप इसको निगलेक्ट करके अपना आंसर, क्योंकि हम फिज़िक्स में हमेशा न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट करते हैं, अब वो अप्रोक्सीमेट क्या होता है वो आगे जाके बताती हूँ। अब आपको वर्थ पता होना चाहिए कि कौन सा वाला जो नंबर है ना वो कितनी वर्थ रखता है, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करना है 10 से, 100 से, 1000 से, डिवीजन कैसे करते हैं 10, 100, 1000 से। उसके अलावा आपको डेसिमल नंबर को मूव करना आना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है एंड दिस वन, रूट वैल्यूज़। इसके अलावा टेबल्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अब ये क्या होता है कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर को मूव करेंगे, आप लोगों को स्क्रीन सही दिखाई दे रही है? आई थिंक अब ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मैं आपसे ये डिस्कस करती थी कि आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से मूव करते हैं, और किस तरह से राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, या लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आगे मैं आपको फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वैल्यूज़ की, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी कि रूट वैल्यूज़ आपके पास थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा होता है उसकी वैल्यू रूट्स लिखी होती हैं। अब आपको पता है कि 1 जब भी स्क्वायर रूट में होता है तो उसका आंसर 1 होता है, 4 जब भी होता है उसका आंसर 2 होता है, क्योंकि 2 × 4 होता है, तो 4 जब भी लिखा होगा 2 लिख देंगे आप, 9 जब भी लिखा ये 9 बाहर आके 3 आ जाएगा, 16 जब भी होगा आप 4 लिख देंगे क्योंकि 4 × 4 = 16, 25 जब भी लिखा होगा आपको पता है ये 5 × 5 = 25 होता है तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 जब भी होगा, 25 का डबल क्या होता है 5 × 5 = 25। अब इस तरह का फॉर एग्जांपल आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल उन्होंने वर्क आपको दिया हुआ है 2 by 2 by 4, ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है 3, सही है। तो अब आपके पास क्या करना है, आपको पावर फाइंड करना है, सही है, पी पावर फाइंड करना है। तो आप पावर का फॉर्मूला क्या होगा, W/T। अब ये 2 / 4 और ये 3, अब ये 4 क्या होगा आपको पता है क्या होगा, 2, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, वरना अगर आपको नहीं पता तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये इस तरह करके सॉल्व होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 × 4, 4 / 3, ठीक। इसके बाद आप आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये वाली चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये किस तरह सॉल्व करते हैं, दिस इज़ वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आपके पास ये रूट्स, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारी रूट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपके पास और भी एग्ज़ाम्पल आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा होता है बताएं कि 3 क्या होगा, अब आपको 3 का तो नहीं पता, मैंने आपको ये याद करवाए हैं, अब आपसे पूछ सकते हैं 7 का रूट क्या होगा, आपके पास इस 4 की जगह पे 8 का रूट भी आ सकता है, सही, अब आपको वो कैसे याद करना है। तो अदर रूट्स आपको याद रखने हैं, ये एक ट्रिक है जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, इवन मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मेरे अटैम्प्ट में ही लास्ट अटैम्प्ट में पता चला था। देखें, जब भी आपके पास 1 लिखा हुआ होता है ना रूट में 1, तो ये दिस इज़ 1, अब 2 है तो ये 1.4 बन गया, सही है, 1.4, 3 है तो क्या बना 1.7, 4 है तो क्या बनेगा 2, जो आपको पता है ना 4 2 होता है, ऑलरेडी पता है, तो उसके बाद 5, 6, 7, 2 2 के नंबर ऐड करते जाएँ, इट विल बी 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, सही। अब ये क्या है हमारे पास, 1 इज़ 1, 2 के बाद 1.4, जब भी आपके पास 2 लिखा होगा ना तो आपने याद रखना है ये चीज़ें, दोनों याद रखनी हैं कि 2 का रूट हमेशा 1.4 होता है, और हमारे पास जो 3 का रूट होता है 1.7 होता है, जबकि 5, 6, 7, 8 और 9, 9 इज़ ऑलवेज 3। अच्छा, जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं ना अभी प्लीज़ नहीं करें क्वेश्चन, मैं आपको जो है बाद में आफ्टर डूइंग द लेक्चर आई विल लेट यू नो कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो क्यूरीज होंगे वो आपकी हम कर लेंगे, देख लूँगी। अच्छा, अब देखिए आपके पास 5 है, 5 क्या होगा 2.2, क्यों ये 4 के बाद 5 है, 4 इज़ 2, 5 क्या होगा 2.2, दो दो नंबर ऐड करना है, फिर 6 क्या होगा 2.4, 7 क्या होगा 2.6, 8 क्या होगा 2.8 एंड 9 क्या होगा 3। तो ये अगर आपके पास नहीं बना तो इसको बना लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन नीड टू नो अबाउट इट, ठीक। अगर आपके पास, आप वैसे ये लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आपके पास ये नहीं लिख पा रहे ना तो आप बाद में देख लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वर्थ ऑफ द नंबर, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर आपको, हमारे पास क्या होता है फिज़िक्स के अंदर,
आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसकी कैलकुलेशन करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसको निगलेक्ट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब उसे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला नंबर हमको निगलेक्ट करना है, कौन सा वाला नंबर हमें निगलेक्ट नहीं करना? तो हमें ये ऐसे पता चलेगा जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये बात याद रखिएगा, नेग्लेजिबल यानी कोई भी निगलेक्ट करा हुआ नंबर, जब भी कोई नंबर पॉइंट्स के अंदर माइनस या प्लस हो रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर्स जो या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है किसी और नंबर में, ऑलवेज़ यू हैव टू निगलेक्ट दैट नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है तो आप उसको निगलेक्ट करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों? इतना सा नंबर है, छोटा सा नंबर, अगर आप उसको 10 से निगलेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू वर्थ है ही कितनी 10 में? ठीक है, 10 में अगर 2 भी माइनस करें तब भी समझ आ रहा है, लेकिन इतना सा नंबर को निगलेक्ट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, आपके फिजिक्स के पेपर में से ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, लाइक पास्ट पेपर में से। आपका एक नंबर है तो आप इसे निगलेक्ट कर दें और उसको 10 रखें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सही, अब इसके बाद, अब नॉट निगलेजिबल नंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10.2.002 लिखा हुआ है, अब आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इट हैव टू, इसके पास 2 है। ठीक है, 10 में से 2 की बहुत वर्थ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8। आप 0.02 को हटा दें, जस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके पास पेपर से उठाया है, आपके पास रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने का बोला है। आपके पास जो आईजी है वो कितना है? दिस वन। गिल्वेनोमीटर का करंट इज दिस वन। ऑलवेज रिमेंबर कि गिल्वेनोमीटर के ना करंट बहुत मिनिमम होते हैं, तो यहाँ पर भी ना गिल्वेनोमीटर का करंट बहुत छोटा सा लिखा है, लाइक 0.00 करके, बहुत छोटा छोटा। फिर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ गिल्वेनोमीटर 50 है, आई हमारे पास 10 है, आईजी इतना है। तो अब आपने देखें, आपके पास ये एक फार्मूला है रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस का, RS इज इक्वल टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IG RG I माइनस IG। अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके पास पेपर से ही मैंने लिया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IG कितना है? 0.001 मल्टीप्लाई बाय RG कितना है? 50। अब आपके पास I कितना है? 10 माइनस IG कितना है? ये IG 0.001। अब मैंने आपसे ऊपर क्या कही थी, निगलेजिबल सिर्फ वो नंबर हो सकते हैं जो प्लस या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर होंगे लेकिन प्लस या माइनस हो रहे होंगे। देखिए, कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, ये माइनस हो रहा है, कौन सा नंबर? ये नंबर हो रहा है, और 10 में से अगर ये माइनस करेंगे इसकी कोई वर्थ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको काट देंगे। ठीक है, यानी आपके नीचे सिर्फ 10 लिखा हुआ है, आप फौरन से काट दें। अब क्या बच गया? 0.001 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10, ये बन गया। अब आपको ये भी हार्ड फील हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, बट ये हार्ड नहीं है। सी, आपके पास क्या डिवाइड है, तो एक जीरो एक दूसरे जीरो से कट जाएगा। अब क्या बच गया? अब बन गया 0.001 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे जीरो जीरो ही रहेंगे, 0.00515। दिस इज़ द आंसर। यानी आप देखें, एक इतना हार्ड क्वेश्चन का आंसर इतना आसान। अब आपके पास एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में लिखा होगा, ए क्या होगा? 0.005। बी क्या होगा? 0.008। सी क्या होगा? 0.003। तो आपको पता आपका आंसर कौन सा है, ये। ठीक, एक बार दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। 0.001 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.001। मैंने आपसे बोला है कि ये एक फिजिक्स की ट्रिक है कि आपको नंबर की वर्थ का पता होना चाहिए। वर्थ होती है कितनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर आपके पास एक नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, वो डेसिमल में है और बहुत छोटा नंबर है, तो आपने उसको निगलेजिबल कर देना है। निगलेजिबल मीन्स उसकी कोई वर्थ नहीं आपके सामने, फ़ौरन से काट दें। क्यों? ये माइनस हो रहा है और ये जीरो इतना छोटा नंबर है, अगर आपने इसको लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने इसको काट दिया, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, यू विल गेट दिस नंबर और विच इज़ शोइंग अ वर्थ आंसर। ठीक है, वर्थ इट आंसर आपके पास आ गया, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर की कितनी वर्थ होती है। अब आपके पास एक और रूल था कि मल्टीप्लिकेशन बाय 10,000, दिस इज़ काइंड ऑफ ईजी कि 10,000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 10 से करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप क्या करते हो, इसके आगे जीरो लगा दोगे, ये क्या बन जाएगा? 30। ये क्या बन जाएगा? 4,000। ये क्या बन जाएगा? अब इसके अंदर एक छोटी सी बात है कि ये क्या हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10 है और ये हमारे पास 3.5 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 30
लाइक अब इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, जो कि आपको मैं आगे बताऊँगी पॉइंट्स के अंदर कि पॉइंट्स की कैलकुलेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आपके पास क्या है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप देखें कि यहाँ पर 3.5 है और ये 10 है, आपको नहीं पता कैसे करना है क्योंकि आगे तो नहीं आ सकता ना ये, तो आपको पता है यहाँ पे पॉइंट है। जब भी पॉइंट होते हैं ना, तो पॉइंट हटा के हम पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं ना उसके 0 लगाते हैं। कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो एक 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, आप 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। अब ये पॉइंट खत्म हो गया, सॉरी 35 है ये, ठीक। 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 35। तो दिस इज़ हाउ आपको कैलकुलेशंस को खुद ब खुद अपने लिए ईजी करनी होती हैं, ठीक है। मैथ्स की कैलकुलेशन को इतनी मुश्किल नहीं होती है, हमें इसको आसान करना होता है। अब एक और आपका पास पेपर का ही क्वेश्चन है एमडी कैट के, आपको हीट फाइंड करनी है। आपके पास पी और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास पी एंड टाइम दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। आपको पता है टाइम इज़ ऑलवेज इन मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स, और ये मिनट्स में दिया हुआ है। तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अब आप देखिए पी कितना होता है, 1000 लिखा हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो अब आप कितना हो गया, अब आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आप बड़े से नहीं करें, पहले छोटे छोटे चीज़ों को सॉल्व करें। लाइक 8 और 60 थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1000, तो आप पहले 8 और 60 को सॉल्व करें। व्हाट इज़ 8 टाइम्स 6 क्या होगा, 45, ठीक है। तो 1000, मैंने आपको पहले ही कहा था टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं आएंगे तो फिर सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 8 टाइम्स 6 क्या होता है, 48, तो ये क्या हो जाएगा, 48 ही होता है, 480 बन गया। अब आपके पास क्या होगा, 480 आ गया। मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर रूल बताया था वो क्या था, सिर्फ आगे क्या करने हैं, 0 ऐड कर देने हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 480, और कितने 0 हैं, 3 ज़ीरोज़, सो जस्ट ऐड देम। तो दिस इस तरह का आंसर आ गया, ठीक। अब हम एक और बात कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेसिमल नंबर का मूव करना आना चाहिए कि बेसिकली डेसिमल नंबर्स को हम मूव कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक, ये भी आपकी न्यूमेरिकल का ही एक न्यूमेरिकल का छोटा सा मैंने पार्ट रखा है इसमें, कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है। नीचे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वेवलेंथ दी हुई थी बेसिकली, तो मैंने वेवलेंथ यहाँ रखी और ये ऊपर एक और नंबर। अब आप देखें ये कितना मुश्किल दिख रहा है ना, ये कैसे सॉल्व होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसकी पावर ये क्या है, 1 है, तो 1 का मतलब ये कुछ भी नहीं है, सही। तो ये -10 जब भी ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा, अगर ये +10 होता ये ऊपर आता तो ये -10 बन जाता, क्योंकि ये माइनस ही ऊपर आके क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन गया, 19.9 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेन -26, माइनस जाके ऊपर आके क्या रहेगा, +10। तो ये क्या बन जाएगा, 19.9 एक्सपोनेंट, प्लस माइनस करें कितना बनेगा, माइनस बनता है, और कितना बन जाएगा, -16, ठीक है। साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो क्या हो गया, -16। तो दिस इज़ हाउ द कैलकुलेशन इज़। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अब आप देखिए -10 है, ये -10 क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 की तो कोई वर्थ ही नहीं है, तो ये -10 क्या, समझ नहीं आया। देखिए आपके पास क्या है, 19.99 है, एक्सपोनेंट -26 है, ठीक है, -26 है, ये -10 है, ये 1 एक्सपोनेंट -10 है। -10 जब भी ऊपर जाता है ना तो वो +10 हो जाएगा, इसकी पावर के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस वाला ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, तो ये जब -10 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +10, और नीचे वाली पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो अब -26 + 10 कितना हो जाएगा, -16, ठीक। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, अब ये -10 है, ये ऊपर जाएगा, इसको क्या होना चाहिए, +10, तो ये बिल्कुल वैसे ही करेगा, +10 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -10 +10, अब ये क्या हो रहा है, कट रहे हैं, एक दूसरे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच गया, सिर्फ ये पूरी जो चीज़ ख़त्म हो गई, आंसर सिर्फ ये बच गया, क्योंकि ये क्या हो गया, 0, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 80 डिवाइड बाय 0.2 है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, ये हम कैसे सॉल्व करें, दिस इज़ वेरी ईजी। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी पॉइंट की वैल्यूज़ आती है ना, तो पॉइंट काट के आप उसको हमेशा क्या किया करें, 10, 100, 1000 में कर लिया करें। अब ये पॉइंट काटेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, लाइक इसके पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इधर 10 आ जाएगा, अगर पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 100 आया था। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0, अगर पॉइंट के बाद दो नंबर होते तो हमारे पास 2 0 आते,
ठीक, अब ये क्या बन गया, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए कितना इजी बन गया, 2 1 ज़ा, अब ये किस में बनेगा, 8 4 0। ठीक, अब क्या हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 400। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरह से हम हर कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके उसमें से लिए हैं, लाइक पास पेपर से कैलकुलेशंस वगैरह क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरह से देते हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर जी की वैल्यू आ रही है, आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, ठीक है, तो आपने कभी भी 9.8 नहीं रखनी है एमडी कैट में, हमेशा 10 रखनी है। क्यों, आपने हर चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करना है। इवन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 8.8 लिखा हुआ है वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि 8.8 को 3 से डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो आप इस 8.8 को 9 बना दें, 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, आप इसको 9 डिवाइडेड बाय 3 बना लें, खुद से अप्रॉक्सीमेट कर लें। अब आपको पता है आपने इससे ये एक छोटा नंबर है, आपने बड़ा नंबर लिया इससे, तो जो आंसर होगा ना उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, 3 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर असल में क्या है, 2.9 या 2.7 होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने देखना है, चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट करना है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपको सिखाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। अच्छा, आपके पास एक इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अब आपको लग रहा होगा कैसे सॉल्व करें इसको, ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कैंसिल करना होता है, ठीक है, मैंने 2 ज़ीरो लगे हुए, ऊपर भी 2 ज़ीरो, कैंसिल कर दी, अब क्या बन गया, 2 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -12 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या हो रहा है, ये 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एक्सपोनेंट 6, और ये -12 इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही एक्सपोनेंट लगे हुए हैं, सही, 6 -12, अब ये कितना बन जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 5, 8 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाई 5, सही। अब आपके पास इतना कैलकुलेशन हो गया। अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 8 को, लाइक 5 को 8 से डिवाइड कर लें क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है आपके पास, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि 5 1 पे हो रहा है, तो 8 जो है ना वो 5 का ही आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 point something होगा, लाइक 1.3 या 1.4। तो इन शॉर्ट आप इसकी जगह 1 एक्सपोनेंट -5, आप देखेंगे करीब करीब में आंसर कि 1 point something जिसके अंदर भी होगा ना, तो वो आपका आंसर होगा। आपके पास अब ऑप्शन ये लोग डिफरेंट देंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन दे रहे हैं 1 एक्सपोनेंट -5 1.5, बी दूसरा देंगे 2 point something -, अब जाहिर सी बात है ये 1 point something बन रहा था, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करना होता है, फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को सबको अप्रॉक्सीमेट करना होता है। अब इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है कि आपके पास फोर्स है और जी आपको फाइंड करना था। आप भी ये लाइव सेव करिएगा जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी सेव करूँ। देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको एक रूल बता देती हूँ, लेफ़्ट टू राइट का राउंडिंग ऑफ का रूल है, ठीक है, राउंड ऑफ का रूल, ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई नंबर होता है ना, राइट से लेफ़्ट जब भी मूव करेगा, लाइक आपके दो हाथ हैं, ये राइट है ये लेफ़्ट है, मेरा राइट ये और लेफ़्ट, जब भी मेरा इस हैंड से इस तरफ मूव करेगा ना, तो क्या होगा, प्लस होगा, जब मेरा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, माइनस, या आप कहीं लिख लें क्योंकि आपको ये भूल जाता है। जब भी आपका यहाँ से इधर मूव करेगा, लाइक इस तरफ को मूव करेगा, तो आपने एक्सपोनेंट में प्लस लगाना है, जब आपका इधर मूव करेगा एक्सपोनेंट में माइनस लगाना है। अब इसका आंसर देख लें, एक ऐसा नंबर है ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, अब आपको किधर लेके जाना है, इधर 1 2 3 नंबर मूव किया है ना आपने, किस तरफ मूव किया, इस तरफ, इस तरफ का क्या मतलब है, माइनस वाला, तो ये क्या बन जाएगा, 1 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 एक्सपोनेंट -3। अब इसी तरह का आपके पास एक और क्वेश्चन है, अब ये 1000 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका पॉइंट मूव करेंगे 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 3 हुआ, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव का 3 है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से जा रहे हैं, आपके लेफ़्ट से राइट पे जा रहे हैं, सॉरी आपके राइट से लेफ़्ट पे जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा इस डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव आएगा, सही, 3 का मतलब है पॉजिटिव। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है 6.673 -11, और ये आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, 6.673 एक्सपोनेंट -11
1000 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1000 और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, क्योंकि बेसिकली मल्टीप्लाई है तो इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन गलत हो सकता है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं राउंड ऑफ का यूज़ करूँगी, मैं पॉइंट्स में करूँगी इसको। ये 1000 क्या बन सकता है, 1 एक्सपोनेंट 3, पॉइंट इधर होगा 1 2 3, पॉजिटिव है तो ये क्या बन सकता है 3 एक्सपोनेंट 3, और ये क्या है 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11। अब मैं क्या करूँगी, इसका देखिए 1 है और इसका 6, अब ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट मैं इन दोनों को मिला दूँगी, प्लस कर दूँगी, 6.673 रहेगा एक्सपोनेंट माइनस 11 और ये प्लस का है प्लस 3, कितना बनेगा माइनस 11 प्लस 3 इज 9। अब इतना मुश्किल क्वेश्चन का आपका आंसर इतना आसान तरीके से निकालिया कैसे, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। जब तक आपको राउंडिंग ऑफ का रूल नहीं पता होगा कि जब भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जब भी ऐसी डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर मूव कराने में माइनस 3 लिख देते हैं, अब उस माइनस 3 के चक्कर में पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑलवेज यू हैव टू डू एडिशन, व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज़ द रूल। इसके अलावा फिज़िक्स का हमारे पास यहाँ तक जो है वो कम्प्लीट हो गया, कि किस तरह से आपको चीज़ों को कवर अप करना है और किस तरह से आपने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को मेनली देखना है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हर चीज़ अप्रॉक्सीमेट होती है और उनको भी पता है कि आप कैलकुलेटर के बिना कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 3.4, और आपको लगता है क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो रहा है 3.0 के साथ सॉल्व करना, तो जस्ट रिमूव द पॉइंट एंड राइट इट एज अ 3। लेकिन अगर 3.6 है तो आपको पता है 3.6 इज़ नियर टू 4, ठीक है, तो आपने उस टाइम पे 4 यूज़ करना है। प्लीज़ बता दें कि न्यूमेरिकल्स कितने और कौन कौन से करने हैं। ओके, आई विल लेट यू नो। अच्छा, यहाँ तक मेरी बात पहले सुन लें, ठीक है। आपके पास आपको रूल्स को, हर चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करनी होती है, फिज़िक्स के अंदर हर चीज़ अप्रॉक्सीमेट होती है, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स। और मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में आपको सबसे पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद कौन सा पोर्शन सॉल्व करना चाहिए। वरना अगर बच्चे क्या करते हैं, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं ये सोच के कि टाइम ज़्यादा होगा तो हम आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नो, आपके पास टाइम नहीं होता। अगर आप न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये इवन मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है। तो मैं तो कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करती टू गो टू द फिज़िक्स डायरेक्टली फर्स्ट, कभी भी फिज़िक्स पहले नहीं सॉल्व करें। इवन तो आपकी फिज़िक्स बहुत अच्छी है फिर भी नहीं करें, और इवन न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं करें। न्यूमेरिकल्स हमेशा लास्ट के लिए रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है ना। और आप देखिए, हमारे पास फिज़िक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल होते हैं, तो थ्योरी को आप मैक्सिमम टाइम दें, मैक्सिमम टाइम, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी टाइम दें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर मैंने बीमेट के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स करवाए हैं, तो सब चैप्टर्स के अंदर से बच्चों को खुद अपने हर चैप्टर के मैंने फार्मूलाज सिखवाए हैं। इनको एक आप लोग उनको कंपाइल करें, लाइक अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उन सब के जो फार्मूलाज हैं वो अपनी अलग बुक में लिखें, आपका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दूसरे चैप्टर के फार्मूलाज अलग बुक में लिखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात कि बीमेट बैच डी की रजिस्ट्रेशन क्योंकि क्लोज़ हो गई थी, बट बहुत सारे बच्चे स्टिल मुझे कह रहे थे कि दे वांट टू इनरोल देम सेल्फ एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर 1, क्योंकि उनकी पे जो है वो 1 को आती है। फॉर देम आई एम गोइंग टू लाइक, मैं जो है ना डेट को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देती हूँ। यू गाइस हैव टाइम टिल 1 जुलाई, तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं बैच डी में तो यू गाइस हैव टू इनरोल योर सेल्फ इन बैच डी टिल 1 जुलाई। और वैसे हमारा बैच डी स्टार्ट हो चुका है, बट वंस यू आर डन डूइंग द पेमेंट आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, और उसके बाद फिर जो है वो जो काम हमारा हो चुका है वो मैं आपको पर्सनल पे सेंड कर दूँगी। तो ये चीज़ें, और बाकी बैच डी इज़ द लास्ट बैच, इसके बाद नहीं मैं किसी को ऐड करूँगी, और 1 जुलाई भी लास्ट डेट है, इसके बाद मैं किसी को ऐड नहीं कर सकती क्योंकि पूरा एक रिदम ख़राब हो जाता है जो बच्चों की पढ़ाई की चल रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िक्स। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, ई कैट का, यस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं बता सकूँ। MDCAT में 2 और 3, MDCAT में 2 और 3 अटैम्प में क्या ये रूल है कि इंटर की परसेंटेज कम में काउंट होगी? नो, ऐसा कोई रूल नहीं होता, आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट।
कभी भी कोई मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होता है। पहले एक दफ़ा रूल आया था जिसकी वजह से सब बच्चों को मिसकॉन्सेप्चुअल है, लेकिन कोई भी ऐसा रूल नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, कोई भी मार्क्स नहीं कटता, इवन नॉट अ सिंगल परसेंटेज। मेरा इस साल एम ई कैट का एग्ज़ाम मिस हो गया। एनी बुक फॉर एम सी क्यूज? यस, देर सो मैनी बुक्स यू कैन। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं खुद अपने बी मेट बैच के अंदर प्रैक्टिस चीज़ें शेयर करती हूँ, एम सी क्यूज़। तो इफ़ यू आर फ्रॉम दी बी मेट तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द बी मेट बैच, एनी बैच, मेरे बैच में से नहीं है, तो आप लोगों को फिर कोई भी फिजिक्स की बुक ले लें, आप उसको सॉल्व करें। प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं सबको यही कहूँगी कि दे हैव टू सॉल्व द एवरीथिंग। आप इंग्लिश की क्लास ले लें प्लीज़ लाइव। मैंने वैसे बी मेट के अंदर इंग्लिश की क्लास लाइव ली थी, जूम मीटिंग की थी, बट कुछ बच्चे चाहते हैं तो आई विल डू इट देयर एज वेल ऑन यूट्यूब। तो इसके अलावा इसकी कोई फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी कर लूँगी लाइव। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट, अच्छा मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है पीएमसी की तरफ से कि एमडी कैट का पेपर का पैटर्न, कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये सारी चीज़ें, तो मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ये सारी चीज़ें कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। इंशाल्लाह मंडे, टिल मंडे मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी कि अबाउट कितने चैप्टर्स एंड ऑल दैट, कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, और अबाउट द इंग्लिश भी मैं देखती हूँ कि दोबारा से लाइव कर सकूँ। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का आपका 40% इंक्लूड होता है एंड 10% आपका मैट्रिक इंक्लूड होता है, तो इस ये तो है आपका 10% मैट्रिक एंड 40% फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परसेंटेज। 27 अगस्त कंफर्म है? यस, इट इज़ कंफर्म्ड, अभी तक तो ये कंफर्म्ड ही है 27 अगस्त। और एक बात बताऊं, देखिए आपको पता है 27 अगस्त में आपको एग्ज़ाम है, तो आपको अपनी डेट 27 ही रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जो बच्चों को लग रहा है ना 27 चेंज हो सकती है, बिल्कुल सही लग रहा है, हो सकती है चेंज। देखिए आपके पास दिन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप तैयारी ऐसे रखें कि आपको पता हो 27 इज़ योर लास्ट, इज़ योर एग्ज़ाम डेट। क्या पूरी बुक पढ़ें? क्योंकि लास्ट टाइम पूरी बुक से था पेपर। मैंने आपको ये बात दोबारा से बता दूंगी कि सिलेबस आउटलाइन क्या है मंडे को इंशाल्लाह ताला, तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरी बुक पढ़नी है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन के बारे में, जी एग्जैक्टली, एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जब आएगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड कर दूंगी। इफ़ यू आर फ्रॉम द बी मेट तो आपको उसी दिन पता चल जाएगा सब कुछ। तो क्योंकि बी मेट के जो बच्चे ना वो मेरे पास ग्रुप्स में ऐड हैं, दे आर, वो मेरे साथ लिंक्ड हैं, तो मुझे उनको हर चीज़ इन्फॉर्म करनी होती है। इसके अलावा आई थिंक फिज़िक्स के लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सेव कर लूँगी, आप इसके अंदर जो भी चीज़ें नोट डाउन करनी है आप उसे कर लिएगा। इसके अंदर से जो मैंने प्रॉब्लम्स उठाई थी ना, वो आपके पास पेपर्स की ही लिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। आप ही FTB STB के साथ कैसे है? देखिए आपको STB इज़ योर मेन गोल एंड मेन फोकस, मेन टारगेट STB, लेकिन STB के साथ FTB के ओनली वो चीज़ें जो कि आपके पास सिलेबस में दी हुई हैं PMC के सिलेबस में, तो वो आप FTB से भी देखें। और वैसे एक बात बताऊँ, STB FTB दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, बट FTB में थोड़ा बहुत चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आई थिंक मैं तो यही कहूँगी कि STB को मेन फोकस रखें। जैसे आपने STB पढ़ ली ना, तो उसके बाद FTB पे चले जाएँ और FTB के वही टॉपिक जो आपने STB में पढ़े ना, वो सारे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। ऐसे समझें कि कुछ चीज़ें रिवाइज़ करें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी तो वो एक बार दिमाग में बिठा लें, लिख लें कहीं पे, रिकॉल कर लें, नोट्स बना लें। हाउ मच मार्क्स वी नीड टू हैव इन द MD CAT 2023? मार्क्स लाइक, इफ़ यू हैव 180 मार्क्स आउट ऑफ 200 देन यू आर ऑन अ सेफ साइड, सो टारगेट शुड बी ऑलवेज 180, बट क्योंकि आपको पता है टारगेट ज़्यादा का रखेंगे तो फिर आपको 170 तक भी आ जाएगा। तो येस, इफ़ यू हैव अ गुड परसेंटेज, तो अगर आपका 170 भी आता है ना, तो आपका आराम से एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपके MD कैट या आपका पूरा FSC पे डिपेंड करता है, आप अगर FSC परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आपकी MD कैट में अगर कम मार्क्स इन सेंस के एवरेज भी आते हैं ना, तो आपका हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। मैं आपके लेक्चर्स लेने के बाद FTB और PTB को पढ़ा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और फिज़िक्स के। दिस इज़ सो ग्रेट ऑफ यू फातिमा।
आपका ईकेट मिस हो गया तो आप अदर ऑप्शन देख लें, नेक्स्ट टाइम ईकेट के लिए तैयारी कर लें। देर सो मैनी अदर ऑप्शन एज वेल, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। अगर आपने इंजीनियरिंग से की हुई है, ईकेट अगर नहीं दे पाए, और ईकेट कैसे आपका निगलेक्ट कैसे हो गया, आपने लिखा हुआ है कि आपका फ्यूचर का मामला है, तो ईकेट कैसे निगलेक्ट हो गया आपसे। अगर आपको फ्यूचर का मामला था, अगर हो गया है, तो आपको इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई और ऑप्शन ढूंढ लें। एवरेज मतलब कितने, एवरेज इन अ सेंस 180 and 160। मेरिट नंबर कहाँ तक, अगर मैं कराची की बात करूँ तो अगर यू आर अंडर 700 मेरिट नंबर तो यू आर सेफ। आपकी सेकेंड ईयर की क्या परसेंटेज होनी चाहिए कम से कम भी, लाइक आई विल ऑलवेज प्रेफर यू मस्ट हैव मोर देन 85%। अगर 85 भी है तो इट इज़ इन द सेफ जोन। डू यू हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एंडीकैट? या आई डू हैव माई ऑनलाइन कोचिंग, यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग। आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर मैं दोबारा भी इंशाल्लाह लाइव कर लूँगी, या कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देयर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। आई मीन सेकेंड ईयर। अल्लाह हाफिज़।